मुंह बनाते हैं हमारे सरकार। वेलकम टू माय ब्लॉग, आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। एक्चुअली हम लोग अभी जस्ट बच्चे को लेके आए हैं स्कूल से, अभी मैंने छोड़ी दिया अंदर। एक्चुअली मैं बाहर आ गया, थोड़ा सा हम क्या थोड़ा सा धूप उप ले लें, बहुत ज्यादा कोई काम नहीं करता प्रॉपर। बैग वगैरह कुछ नहीं, जहाँ पाएगा वहीं फेंक देगा। अभी एक्चुअली में क्या है ना, टिफिन वगैरह उसी में डली हुई है, आके सीधे टीवी देखने लगते हैं। ये बच्चे आजकल के ना बहुत बिगड़ गए हैं, और एक तो अभी फिलहाल सो ही रहे हैं, बाकी सारे लोग सो रहे हैं, गुलदोबस्तु जग रही फिलहाल अभी। और मैं टीवी देख रहा था, सोचा कि आज टीवी देख लूँ, तो बच्चा के आगे देख ही नहीं पाता हूँ मैं। बच्चा जब देखो मोगली लगा के देखते हैं ये सारे, हैं स्कूल से आएंगे, ये नहीं कि यूनिफॉर्म उतारे पहले उसके बाद सीधे सो तो उठाई है। और ठंडी लग रही है अभी मम्मी को, है मैं तो सो ही नहीं पाता। एक्चुअली मैं काम ही ऐसा है कि मैं सो ही नहीं पाता हूँ, और फिलहाल मम्मी लोग अभी सब सो सो के उठ गए हैं। तो आइए देखते हैं अभी हमारे छोटे सरकार क्या कर रहे हैं। अभी थोड़ा बेटी भी सो रहे हैं फिलहाल, तो देखते हैं ये अभी कर क्या रहे हैं। एक्चुअली बच्चा तो स्कूल से आ ही गया है, मैं लाया था, हालांकि बच्चा तो 3 बजे छुट्टी होती है, तो बच्चा फिलहाल आ गया है। वो हमारे गणेश जी बैठे हुए हैं थोड़ा सा, और गुल्लू भी उठाई है अभी, ये देख सकते हैं सामने आई गई। मैं जाने वाला था अंदर तो बाहर आ गई, सब सो सो के उठाए हैं अभी फिलहाल। बोलते यही कि नींद नहीं आती है, सोने के लिए सब सो जाते हैं, चाहे 1 घंटे सोते हों, सोने के लिए सभी सो जाते हैं, मुझे बस नींद नहीं आनी। मैं सो जाता हूँ तो मेरा पूरा दिन ना ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि सोना चाहिए 3 बजे के बाद ही सोना चाहिए, वो नींद ज़्यादा बेटर रहती है। इसके पहले आप सो जाओगे ना उठोगे तो मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा कुछ लगेगा, मतलब वो कंफर्ट नहीं फील आएगा, मतलब कि आप सोए हुए कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन 3 बजे के बाद आप सो के उठे ना तो एकदम बिल्कुल आदमी फ्रेश रहता है। लेकिन अगर उसके पहले आप सो के उठते हैं तो आदमी फ्रेश नहीं रहता। आप कभी भी ट्राई करना, कभी आप सो के उठना 12 बजे से पहले सो के उठना, तो फिर बताना कि मतलब कैसे लगता है। 3 बजे के बाद सो के देखना आप लोग कि सोने के बाद वो सुकून ही अलग होता है। तो सोने का टाइम सिर्फ 3 बजे के बाद ही होता है दोपहर में, उस टाइम सोएंगे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, चाहे कोई भी हो। हमारे बेटू सरकार ना दिन में आराम से सोएंगे, लेकिन जैसे ही रात होगी तो बहुत जगाते हैं। एक्चुअली में रात को बहुत परेशानी होती है आदमी, क्या है ना रात को बहुत सारी नींद लगी रहती है ना, तो आदमी बड़ा डिस्टर्ब हो जाए। और अभी फिलहाल सो रहे हैं, अभी अभी जग्गू किए हैं, देख लीजिए अभी नीचे पड़ा दिए तो रो ही रहे थे फिलहाल, सुस्त सुस्त करके आराम से बहुत रोते हैं अभी फिलहाल। अभी मैंने गोदी में लिया हुआ है तो देख सकते हैं अभी, अब देख रहे हैं ना इधर उधर झांक रहे हैं। और जैसे ही शाम का टाइम होगा ना बड़े सुकून से सोएंगे 5-6 बजे के बाद, लेकिन जैसे ही रात होगी वैसे ही इतना परेशान करते हैं कि क्या बताएं। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो गुल्लू बोलेगी आप देखो, क्या ना कि सबको सोना जरूरी है तो बहुत डिस्टर्ब होता है। आप बहुत मजे से सुन रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं बड़े प्यार से सुन रहे हैं। अभी नीचे पढ़ा दूंगा ना तो बहुत तेज रोते हैं अभी फिलहाल, बच्चे बहुत जानते हैं वैसे। और क्या है ना कि अकेले पढ़ा दो ना तो फिर पूरे पैर मर मार के ना बिल्कुल एकदम से कपड़े बाहर निकल जाएंगे, पूरे कंबल वगैरह सब बिखर जाएंगे ऐसे एकदम, बिल्कुल लात चलते हैं एकदम से, पैर एकदम धड़ाधड़ चलते हैं एकदम से बहुत तेज। बेबी राम सो रहे हैं अभी फिलहाल, ये देखो ये देखो ये देखो ये रो रहे हैं अभी फिलहाल। मम्मी अभी उठ के चली गई ना तो रो रहे हैं ये। हाँ बेबी क्या हुआ? ओहो बेबी रोया, मुंह बनाते हैं हमारे सरकार। 3 हो गए एक्चुअली, जब पैदा हुए थे ना तभी से बहुत ज्यादा गोदी जानने लगे थे, जैसे ही पैदा हुए वैसे, मतलब इनको नीचे पढ़ा दो ना तो समझ जाते हैं कि भाई ये नीचे पढ़ा दिया गया है मुझे। अब जैसे ही आप गोदी में ले लोगे ना वैसे ही सब बिल्कुल एकदम राजकुमार जैसे आराम से लेटे रहेंगे, लेकिन जैसे ही पढ़ाओगे आप बहुत रोते हैं कसम से, पूरी रात बहुत परेशान करते हैं। आपने सो नहीं पाया, हमको लगता है महीनों से आदमी तरीके से सो नहीं पाया, बड़ी दिक्कत हो जाती है इस समय, लेकिन हो गया क्या किया जाए, वही सारी चीजें चलती रहती हैं। हाँ अभी अब गुस्सा हो रहे हो, अभी भी गुस्सा हो रहा, अब तो लेटा दिया आपको, अब क्या हुआ क्या हुआ बेटू? देखो छुच्छु चुकल के ना अभी गुस्सा हो रहे थे, क्यों दिख रहा है? मम्मी इतना तेल लगा देती है सरसों का, क्या कि सुबह शाम मालिश होती है ना, जिस वजह से किसी दिन हमें खुद ही समझ में नहीं आता, किसी दिन गोरा दिखते हैं और किसी दिन काले, तो लगता है कि थोड़ा। हाँ बेटू रुको तो आगे मम्मा ना, तो आप लोग तो देखे ही होंगे ऐसे लगता है बहुत काले हैं लेकिन है नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि तेल मम्मी लगाती है, मालिश कर देती है ना थोड़ा सा,
और ठंडी भी है, नहाना वहाना तो है नहीं बच्चों को, तो तेल लगा देती है सवेरे शाम तो चमकने लगता है, सरसों का तेल लगा के मालिश करती है ताकि बेटा स्ट्रांग हो जाए। दिन भर रोते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। एक्चुअली क्या, मैं तो सो जाता हूँ ना, एक बार तो उठ नहीं पाता हूँ मैं, मेरी यही आदत कि मैं सोऊंगा जब सो जाऊंगा तो जल्दी से उठ नहीं पाता हूँ। दिक्कत सबसे ज्यादा गुल्लू को होती है, जब गुल्लू को दिक्कत होती है तो पता क्या करती है, मैं मुझे जगाने के लिए खूब तेज तेज चिल्लाएगी ताकि मैं भी उठ जाऊँ, फिर आधी मजबूरी में उठना ही पड़ता है, करे तो करे क्या, हालांकि हिम्मत तो नहीं होती है, सही बता रहा हूँ मैं। सोता नहीं, मुश्किल पे 6 घंटे सोता हूँ मैं, 6 घंटे सोता हूँ, 6 घंटे में लगता है कि कोई डिस्टर्ब ना करे। एक बार सो गए तो सवेरे वही 6 बजे नींद खुलती है, लेकिन हो गया रात में कम से कम 3 से 4 बार रोते हैं हमारे सरकार, तो उठना पड़ता है, क्या करें। थोड़ा सा गुल्लू को भी तकलीफ रहती है जिस वजह से ना, थोड़ा फुटना पड़ता, नहीं तो दिक्कत नहीं होती तो हम आराम से सोते, करते क्या हम। लेकिन थोड़ा सा हो गया, अभी छोटे हैं, जब तक तो चलाना पड़ेगा किसी कदर से कैसे भी करके, है ना। बच्चे तो हैं, बच्चे मन के सच्चे हैं, तो इतना आसान भी नहीं होता है। तो यही सारी चीजें हैं, यही होती है परवरिश, यही आदमी करता है, और फिर आगे जाके हम ही जैसे लोग बोलते हैं कि तुमने मेरा किया ही क्या है। तो दोस्तों, ये हमें लगता है कि इस दुनिया में ना पापा मम्मी से बड़ा इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। आदमी भगवान को मानता, आस्था अच्छी बात है, लेकिन हमें लगता है कि सबसे पहले उन्हीं का हक होता है, पापा मम्मी का। जिंदगी में अगर आपने पापा मम्मी की सेवा कर ली तो आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनेक कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी न, तो आप कभी अंधेरे रास्ते में जा सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पापा मम्मी का ध्यान रखना। तो हम लोग भूल जाते हैं कि जैसे आज हम कर रहे हैं, चलो ठीक है, हमें तो अभी मैं रियलाइज करता हूँ कभी कभी कि जैसे आज हम कर रहे हैं बच्चों के लिए जग के पूरी रात उठ के, वैसे ही हमारे पापा ने भी हमें ऐसे ही पाला पोसा होगा। लेकिन आदमी जब बड़ा हो जाता है तो आदमी को लगता है कि यार किया क्या हो मेरे लिए, लेकिन नहीं दोस्तों, आदमी कभी नहीं भूलना चाहिए पापा मम्मी से बढ़कर दुनिया में कोई चीज होती नहीं है। तो भाई ऐसा ही परवरिश है कि हम कहते हैं कि अगर आप पापा मम्मी को आज अपने बूढ़े हो गए, आप उनकी आज हेल्प कर रहे हो, उनकी आप केयर कर रहे हो, तो जाहिर सी बात कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी वही सबक लेगी, वही सारी चीजें आपको रिटर्न मिलती है। ये सारी चीज जिंदगी में चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, यह सब ट्रांसफर होता रहता है दोस्तों, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। आप जैसे अपने पापा मम्मी के साथ करेंगे, आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे ही करेंगे। तो दोस्तों, मेरा तो मानना यह है कि सबको बराबर इज्जत दो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, कोई डिफरेंट मत रखो, सब अपने अपने हिस्से के हकदार हैं, सबको वही चीजें मिलनी चाहिए जो कि अगर आपको अपना बुढ़ापा अच्छे से काटना है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी तरीके से ट्रांसफर करते रहना चाहिए और होना भी चाहिए, यही आगे आगे चल के हर चीज का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कमेंट करके जरूर बताया करें कि मेरी जानकारी आपको कैसी लगती है।